नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसमें 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कराल से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीसा मऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझुआ से ज्योतिबिंद को टिकट दिया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद हो गई है। बारी बारी से वो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक करहल को लेकर खास प्लान बनाया गया है और इसी के तहत तेज प्रताप के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज से तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान किया गया था। आखिरी समय में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। अब जबकि करहल सीट खाली हुई है तो वहां से तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। सीसा मऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद यूपी में एसपी कांग्रेस का गठबंधन डामाडोल है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जिन सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी उस पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जैसे उन्होंने फूलपुर को लेकर के मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इधर यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इसी क्रम में करहल सीट पर उम्मीदवार को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक करहल को लेकर बीजेपी ने विशेष प्लान बनाया है। पार्टी करहल से दिग्गज को चुनावी मैदान में उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और वो बदायूं से बीजेपी के सांसद भी रह चुकी हैं। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल के नाम की भी चर्चा है। साथ ही शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप बघेल के नाम की चर्चा है। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसी कड़ी में करहल में भी चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने रिजल्ट में हेराफेरी और गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनसे जीत छीनी गई है, तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। जयराम रमेश के आरोपों के मुताबिक हरियाणा में 3 जिले हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें हैं, जहां से 12 से 14 सीटों पर गंभीर सवाल है। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10-12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि हारने पर ऐसे ही कांग्रेस आरोप लगाया करती है। लोग EVM पर प्रश्न खड़ा करते थे, लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते थे और बहुत सारे लोग पथराव, आतंकवाद, अलगाववाद, इनको बढ़ावा देते थे, पाकिस्तान की ओर ज़्यादा देखते थे। लेकिन हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार ये दिखाया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में है ये लोकतंत्र की जीत। उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट तो कभी EVM के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी आरोप लगाया, कहा कि कई जगहों से EVM को लेकर शिकायतें मिली हैं, कहीं बैटरी की दिक्कत थी। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है
और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन एनीहाउ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन में मिलेंगे, सारी बात कहेंगे। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फिर से सीएम बनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शुरुआती एक घंटे के रुझान ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, कांग्रेस सत्ता से दूर होती चली गई। यही बात अब कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम बदली गई, बीजेपी को इसका फायदा डायरेक्ट मिला है। कांग्रेस का कहना है कि बदली गई ईवीएम की बैटरी 99% थी, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक सब निपटने के बाद किसी ईवीएम की बैटरी 99% कैसे हो सकती है। चुनाव आयोग सूत्रों की तरफ से बैटरी से जुड़े आरोपों पर जवाब दिया गया। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ईवीएम को चालू करने और मतदान बंद करने की प्रक्रिया उम्मीदवारों और उनके एजेंट की मौजूदगी में ही की जाती है। जब नई बैटरी लगाई जाती है तो उसकी क्षमता 7.5 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट होती है। जब बैटरी की क्षमता 7.4 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच होती है तब ये 99% चार्ज दिखाती है। जब ये 7.4 वोल्ट से कम हो जाती है तो ये वास्तविक प्रतिशत 98% और 10% के बीच दिखाना शुरू कर देती है। जब ये 5.8 वोल्ट या फिर 10% चार्ज पर पहुंच जाती है तो डिस्प्ले यूनिट पर बैटरी बदलने का संकेत मिलता है। और बात करते हैं क्या कहता है चुनाव आयोग का मैनुअल। चुनाव आयोग के 2 सूत्रों ने बताया कि मतदान बंद होने के समय किसी भी उम्मीदवार या उनके एजेंट ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। बैटरी की लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि मतदान से पहले उसका उपयोग करके कितने मॉक पोल आयोजित किए गए, लेकिन बैटरी पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान 99% पर रह सकती है। चुनाव आयोग की ईवीएम मैनुअल कहते हैं कि मतदान के दौरान ईवीएम कंट्रोल यूनिट की बैटरी या पावर पैक बदलने के लिए उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को मौजूद रहना होगा। जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल्ली के साथ झगड़े के लिए वोट नहीं दिया है, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है। कैबिनेट में पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। हम एक रियासत है, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृहमंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 मतलब कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट के तरफ से पास करें कि मरकज को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किल बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। हरियाणा में करारी हार के बाद अब कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट सब कांग्रेस को
खरी खोटी सुना रहे हैं। हरियाणा में करारी हार, अलायंस का कांग्रेस पर प्रहार। हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस, क्या भारी पड़ा आत्मविश्वास। हरियाणा में सुबह तक जीत की जलेबी बांट रही कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि दिन चढ़ने के साथ उसके अरमानों पर हार की चाशनी फैल जाएगी और इलेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार कांग्रेस को उसी के अलायंस पार्टनरों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। केजरीवाल ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहने की हिदायत जरूर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस अलायंस के साथ कश्मीर में चुनाव जीते उमर अब्दुल्ला ने भी शायराना अंदाज में कांग्रेस की हार पर चुटकी ली। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है। चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। कांग्रेस के सहयोगी तो उन पर हमलावर हैं ही, वहीं नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरियाणा में हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा। राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार बनती। आखिरी वक्त में ये लुटिया डुबो दी। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना। पीएम मोदी ने दिल्ली में कल बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को देशद्रोही बताते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने देशभक्तों का साथ दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं और कांग्रेस के चट्टे बट्टे इन साजिशों में शामिल। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने
एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया, देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस जब जीत जाती है तो उनको ईवीएम पसंद आती है, चुनाव आयोग भी उसे अच्छा लगने लगता है। इन्होंने हरियाणा में लोगों को भड़काने का काम किया। वहीं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि छवि उसकी धूमिल होती है जो संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं। चुनाव आयोग शुरू से ही सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है, इसलिए शक होना गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल में जीत जाती है तब चुनाव परिणाम उनको पसंद आता है, तब ईवीएम पसंद आता है, तब उनको चुनाव आयोग पर भरोसा रहता है। लेकिन जब हार जाती तो अपनी कमियां नहीं देखती, तब उसको चुनाव आयोग पे उंगली उठानी, खुद अपनी तरफ चार उंगली उठती है। वो देखिए, आपने देश के प्रधान का अपमान किया। देखिए, छवि उसी की धूमिल होती है जो संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, जिन पर कहीं ना कहीं शक की सुई अटक जाती है। तो चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है थ्रू आउट, और जिस तरह से सरकार के निर्देश का वो पालन करते रहे हैं, तो उन पर शक होना गलत नहीं है। और बाकी भी, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, और ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जिनका इस्तेमाल खुलेआम प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव के लिए हो या अपने पार्टी के मजबूती करने के लिए हो, तो ये बात तो सबको पता है कि ईडी का किससे क्या इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे देश का विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ हुई है। तीन मंचलों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर थाना लोहिया नगर क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तीन मंचलों पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इन पर कार्रवाई की जा रही है।